हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि स्वर्ग में वही जा सकता है जो पुण्य आत्मा हो, जिसने पाप ना किया हो। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि दुर्योधन, जिसने अपने पूरे जीवन में अनेक पाप किए, जो अधर्मी था, उस दुर्योधन को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। ऐसा क्यों? दरअसल जब महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए कई वर्ष बीत गए थे, तब सभी पांडव ने द्रौपदी के साथ राजपाट त्याग कर स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। परंतु स्वर्ग में सशरीर सिर्फ युधिष्ठिर ही जा सके, बाकी सभी की सिर्फ आत्मा ही स्वर्ग जा सकी। स्वर्ग में सभी पांडवों के साथ दुर्योधन भी था। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, दुर्योधन ने तो पूरे जीवन असत्य का साथ दिया, छल कपट ईर्ष्या की, फिर कैसे उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ? उसने ऐसे कौन से कार्य किए थे? ईश्वर के बनाए गए नियम के अनुसार हर पुण्य का परिणाम चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, उसे स्वर्ग मिलता है। तो दुर्योधन ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई? तब युधिष्ठिर ने बताया कि माना कि दुर्योधन में अनेकों बुराइयां हैं, किंतु उसका लक्ष्य सदा हुआ था और वो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयास करता रहा। यदि बचपन में ही उसे सत्य के मार्ग में चलना सिखाया गया होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। दुर्योधन ने अपने एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही सभी उपाय अपनाए, सभी अधर्म किए। युधिष्ठिर ने आगे कहा कि अपने उद्देश्य के लिए एक निष्ठा रखना भी मनुष्य का सद्गुण है। इसी कारण दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए हर मनुष्य को अपने लक्ष्य के लिए पूरे जीवन भर प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे ना हटें। जय श्री कृष्ण।